डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस चैप्टर में, जो कि हम पिछले 5 से 6 टॉपिक में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसी के अंडर आज हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वैल्यू एनालिसिस का। बेसिकली वैल्यू दैट मीन्स किसी भी चीज़ की कीमत, किसी भी चीज़ का कॉस्ट, किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस, दैट यू कैन से वैल्यू, वेदर डू यू हैव योर वैल्यू इन सोसाइटी और नॉट। कहते हैं ना कि उसकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब क्या है कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है। वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसके कोर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो बेसिकली वैल्यू इंजीनियरिंग है क्या। तो बेसिकली वैल्यू इंजीनियरिंग यदि हम आपको डिफाइन करना चाहें, ठीक ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग दैट मीन्स की डिजाइन मेथोडोलॉजी दैट ट्राइज टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट और कंपोनेंट। ठीक है, दैट मीन्स ए डिजाइन मेथोडोलॉजी दैट ट्राइज टू ट्राई टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट और कंपोनेंट, ठीक ना, बाय फोकसिंग, ठीक ना, या बाय इंप्रूविंग इट्स फंक्शन फीचर्स इटीसी और स्ट्रक्चर, जो भी यूज हो सके, ठीक ना, कुल मिलाकर के उसके इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाना है। और कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि उसमें कुछ अननेसेसरी आइटम यूज हो रहे हैं, उस आइटम को आपने बचा लिया, इन्वेंट्री को आपने बचा लिया, ठीक ना। सपोज कीजिए कि आपने इन्वेंट्री बचा लिया, JIT का कॉन्सेप्ट लगा दिया, मतलब प्रोडक्शन में बना और तुरंत मार्केट में बिक गया, तो ये जो रख रखाव का कॉस्ट है वो कम हो गया ना, तो वो भी वैल्यू इंजीनियरिंग है अपने आप में, ठीक ना। उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर जो है कुछ ऐसे एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, देखने में कुछ अच्छा लगने लगा, ठीक ना, तो वो भी अपने आप में जो है वैल्यू इंजीनियरिंग है। जहाँ तक कीमत की बात है, कॉस्ट की, तो कॉस्ट बढ़ा दें। अब देखिए कॉस्ट कैसे बढ़ता है, अब थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट लीजिए। कार में जो है एयर बैग हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, एयर बैग की कॉस्ट जो है ऑटोमेटिक कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एक रिजनेबल कॉस्ट है, लेकिन चूंकि कार में लग गया, कार के फंक्शन को बढ़ा दिया, इसलिए कार की कीमत, एयर बैग लगा 500 का, लेकिन कार की कीमत कितनी बढ़ गई, 15,000 रुपया, तो कार का कीमत वो बढ़ाने के काम आया। तो बेसिकली वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि प्रोडक्ट के हर एक फंक्शन को, हर एक फैसेट्स को, हर एक पहलू को कॉस्ट के जो है दायरे में रख करके हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, ठीक ना। वेयर कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड, कॉस्ट कहीं प्रोडक्ट का मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, रिमेनिंग ऑल फीचर्स परफॉर्मेंस क्वालिटी एंड ऑल दोज थिंग्स आर सेम, ठीक ना। तो एक तो आप जो है काम करते हैं कि फंक्शन या फीचर्स बढ़ा देते हैं, दूसरा, ठीक ना, आप क्या करते हैं, रिड्यूस कॉस्ट कीपिंग, ठीक ना, कीपिंग द सेम फंक्शन भी सेम रहा, फीचर्स भी सेम रहा, क्वालिटी भी सेम रहा, ठीक ना, सेम क्वालिटी रखते हुए, सेम फीचर्स रखते हुए, ठीक ना, सेम हर चीज जो है ना, जो भी एस्पेक्ट्स आप सोच सकते हैं जो था पहले एज इट इज, लेकिन अब कहीं कॉस्ट उसका मिनिमाइज कर पाएँ,
अब कॉस्ट मिनिमाइज कैसे करेंगे? हो सकता है कि आप मास क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन कर दें, ये भी तो तरीका हो सकता है, ठीक ना? तो वैल्यू एनालिसिस में कई सारी चीज़ों को एक साथ ना लेकर के उसको स्प्लिट करके एनालाइज करते हैं कि वेदर दिस एलिमेंट्री पार्ट इज रिक्वायर्ड और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस, दीज आर देन गिवेन वेटेज इन ऑर्डर टू एवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, ठीक ना? इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हम लोग सोचते हैं सबसे पहले कि जो है एस्पेक्ट्स दैट एस्पेक्ट्स, ठीक ना? पहला एस्पेक्ट्स तो ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, एक आदमी सब कुछ तो कर नहीं सकता है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक ना, टीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एस्पेक्ट से आपको हर एंगल से सोचना है, हर एंगल से सोचने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी जो है टीम चाहिए होता है। एक सिस्टमेटिक जो है प्रोसेस, इवेल्युएटिंग प्रोसीजर चाहिए, ठीक ना? ऐसा नहीं कि कोई आइटम आप इसमें घटा दिए या बढ़ा दिए और उसके चलते जो है दूसरे आइटम पे दिक्कत होने लगी, ठीक ना? कोई फंक्शन या जो है फंक्शनलिटी काम करना बंद कर दिया, ठीक ना? और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि फोकस ऑन प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन। ऐसा नहीं कि आपके किसी छोटे से चेंज के चलते प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड हो गया। प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन। तो ये जो है तीन मेन एस्पेक्ट्स है। इसके अलावा जो है कुछ स्टेप्स हैं फॉर वैल्यू एनालिसिस, ठीक ना? स्टेप्स फॉर वैल्यू एनालिसिस, ध्यान दीजिएगा, स्टेप्स फॉर वैल्यू एनालिसिस, स्टेप्स फॉर वैल्यू एनालिसिस। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आइडेंटिफाई द आइटम्स टू बी एनालाइज, आइडेंटिफाई द आइटम्स टू बी एनालाइज, किस आइटम को, ठीक ना, आपको एनालाइज करना है, ठीक ना? दूसरा, डिफरेंशिएट वेदर इट इज मैन्युफैक्चर्ड, ठीक ना, और नॉट, ठीक ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है या नहीं हुई है। थर्ड प्रोसेस है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर फॉर द आइटम्स, ठीक ना? कस्टमर जो है इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल कस्टमर दैट मीन्स कि अपना स्टाफ, अपना एम्प्लॉई, या एक मशीन से प्रोडक्ट निकला, यहाँ से कई बार होता है ना, यहाँ से प्रोडक्ट निकला और दूसरे मशीन पे गया, तो इस मशीन से जो प्रोडक्ट निकला वो किसी काम का नहीं है, पहले वो इस मशीन पर क्या होगा, प्रोसेस होगा, तो इसके लिए क्या हो गया, वो इस मशीन के लिए वो इंटरनल कस्टमर हो गया, ठीक ना? तो ये देखना है कि उसके चलते हमारा कोई और दूसरा बैड इफेक्ट या कुछ जो है दूसरे परफॉर्मेंस पैरामीटर जो है हैम्पर तो नहीं हो रहे हैं, ठीक ना? नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक ना? बेसिक जो आपका प्रोसेस है, ठीक ना, ये भी ध्यान देना है कि बेसिक जो आपका कुछ जो आप आइटम चेंज कर रहे हैं या उसमें कुछ एनालिटिक्स कर रहे हैं उसके चलते बेसिक फंक्शनैलिटी चेंज तो नहीं हो रही है, ये भी ध्यान देना है। बेसिक फंक्शनैलिटी शुड नॉट बी चेंज। फिर इसमें जो है सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ईच फंक्शन टू द कस्टमर, ब्रेक द आइटम इनटू कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट बाय यूजिंग ए फ्लो चार्ट डायग्राम, ये भी जो है फ्लो चार्ट या डायग्राम बना करके भी इसको देख लें। ये सब जनरल प्रोसेस हम बता रहे हैं कि वैल्यू एनालिसिस कैसे हम किसी कंपोनेंट का जो है वैल्यू आप बढ़ाते हैं। द कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट शुड बी एक्यूरेटली अप्रेज्ड, डिटरमाइन विच कंपोनेंट कंट्रीब्यूट टू ए सर्टेन फंक्शन, ठीक ना, इवेल्युएट आइडिया एंड इम्प्लीमेंट द सेलेक्टेड आइडिया, ठीक ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इवेल्युएट इवेल्युएट एंड सेलेक्ट द आइडिया, ठीक ना, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक ना।
तो ये सब एस्पेक्ट्स है किसके लिए, वैल्यू एनालिसिस के, वैल्यू इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछता है कि एडवांटेज क्या है वैल्यू एनालिसिस का, ये एक क्वेश्चन पूछता है बार बार, ये भी समझ लीजिए। जनरल बता देते हैं, बाद बाकी तो हमने बता दिया कि आपने कॉस्ट बढ़ा दिया बिना बिना किसी अदर फंक्शन को चेंज किए, तो दैट इज ग्रेट एडवांटेज। बेसाइड्स दैट नॉर्मल एडवांटेज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन तो एक आपका है ही एडवांटेज जो है, एक तो कॉस्ट रिडक्शन आपका हो गया, इसके अलावा जो है हायर प्रॉफिट हो गया, ठीक ना। प्रोडक्ट का जो है प्राइस लो हो गया तो पब्लिक उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकती है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट है कि दी मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बिकॉज ए केयरफुल स्टडी इज बींग मेड टू डिजायरेबल फीचर ऑफ ईच प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, दैट इज ग्रेट बेनिफिट, कि आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को ध्यान में आपने रखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर एस्पेक्ट्स जो है कस्टमर के पॉइंट को दिमाग में रखा, तो दैट इज दी कॉल्ड कस्टमर अटेंशन, आप कस्टमर को अटेंड किए, ठीक ना। फिर ईच प्रोडक्ट एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस दैट यू कैन मैन्युफैक्चर, सो स्पेशल अटेंशन will be required to pay and simplification, ठीक ना, simplification, standardization, specification can be improved, ठीक ना, improved method, ठीक ना। next is the quality can be improved, ठीक ना, ये हमने पहले ही बताया। constant search for improvement leads greater all around efficiency, ठीक ना, क्योंकि वैल्यू एनालिसिस का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यू मेक ए कंटिन्यूअस सर्च, एक कंटिन्यूअस सर्च आप जो है करते हो, कि चूंकि इम्प्रूव करना है, कंटिन्यूअस रिसर्च उस प्रोडक्ट के ऊपर चलता है, तो आपको क्या होता है ग्रेटर एंड ग्रेटर बेनिफिट होता है। कोई भी चीज़ पे आप जब रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जो निगेटिव मिलेगा उसको छोड़ते जाएंगे, पॉजिटिव मिलेगा तो उसको समेटते जाएंगे, दैट इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ, एंड द सेम इज बिंग इम्प्लीमेंटेड हियर इन दी वैल्यू एनालिसिस इन दी ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये आप आई थिंक समझे होंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, वैल्यू एनालिसिस का, कि वैल्यू एनालिसिस क्या है, वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है। 10 मिनट के इस वीडियो में आपको जो है वैल्यू इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वैल्यू इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के जो है कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट में, कि कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे क्या आपको एग्जांपल दें कि आप जो है देखिए हॉर्लिक्स के साथ जो है, हॉर्लिक्स बच्चे पीते हैं, हॉर्लिक्स के साथ आप एक बच्चों का टॉय गिफ्ट दे देते हैं, ठीक ना। तो इसका कीमत जो है पहले मान लीजिए 90 था, अब इसका कर दीजिए कीमत 110 रुपीज, ठीक ना, और 5 रुपये का इसमें खिलौना, तो आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा 95 रुपीज, वो बिक कितना रहा है 110 रुपीज। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं मार्केट में जो खिलौना देख करके हॉर्लिक्स का डिब्बा खरीदेंगे, हॉर्लिक्स तो बाद की बात है, पहले खिलौना मिलना चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ यूनिक टॉय कैन यू अटैच विद दिस वन, ठीक ना। पेन वगैरह फ्री में मिलता है, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट जो फ्री में मिलता है, तो उसके पीछे लॉजिक यही होता है, अल्टीमेटली कॉस्ट तो इधर जोड़ देते हैं। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, एक श्वास भी फ्री नहीं मिलता है, ठीक ना, जो कि हवा की उपलब्धता कम है। यदि श्वास फ्री में मिलता और लेन खुद व खुद लिया चले जाता तो आदमी मरता थोड़ी, क्या था जो अभी वो हंस बोल रहा था और अभी दुनिया से गायब हो गया, क्यों, क्योंकि चेतना उसके अंदर की चली गई, चेतना चली गई तो श्वास नहीं ले सकता है। इसलिए श्वास कहना ये बिल्कुल गलत है कि फ्री में मिलता है, मुफ्त में हवा भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो न मुफ्त में हवा मिलता है, न इसी का उल्टा वाह मिलता है, ठीक ना। तो वाह वाह भी फ्री में नहीं मिलता है, कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना, बहुत चप्पल घिसना पड़ेगा तब जा कर के कभी एक सफलता मिलती है, तो वाह वाह मिलता है, ठीक है। तो आज यहीं तक, ये वैल्यू इंजीनियरिंग अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक है, ठीक ना। किसी भी प्रोडक्ट में आप एक रिसर्च कर सकते हैं, आप जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आज यहीं तक, इस एक छोटे से टॉपिक को आपने देखा समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।